नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। संसद के मानसून सत्र का पांचवा दिन, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों से मौजूद रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में देंगे बड़ी सौगात। प्रगति मैदान के पुनर्विकसित आईटीपीयू कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। लगभग 123 एकड़ में फैला यह परिसर देश का सबसे बड़ा एमआईसीई स्थान होगा। मिशन मध्य प्रदेश पर भाजपा के चाणक्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च। आज सभी जिला मुख्यालय पर होंगे प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेसी पीसीसी चीफ डोटासरा ने जारी किए निर्देश। भाजपा महिला मोर्चा का हल्ला बोला, आज प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के आवास का किया जाएगा घेराव। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत होगा प्रदर्शन। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग का अभियान। आज से बाल वाहनियों की होगी जांच। नियमों के विपरीत चलने वाले स्कूली वाहनों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में लगी आग। इंजन में मेंटेनेंस के दौरान हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान में बनेंगे 15 अल्पसंख्यक रेजिडेंशियल स्कूल। 120 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को किया स्वीकृत। आरयूएचएस नर्सिंग कॉलेज में 60 नए पद होंगे सृजित। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। जालौर में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरी गाड़ी को पकड़ा आरोपी पपूराम को किया गिरफ्तार। जयपुर में पकड़ा 600 किलो मिलावटी पनीर। श्रासी नगर इलाके में बेस्ट डेयरी पर मारा छापा। बड़ी संख्या में शैंपू पाम ऑयल किया बरामद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का किया गठन। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे बोर्ड में। तेली समाज के विकास के लिए पहल। प्रदेश में मेघ मेहरबान। चूरू हनुमानगढ़ और झुंझुनू में भारी बारिश के साथ 19 जिलों में येलो अलर्ट। झालावाड़ के खानपुर में पुलिस अधीक्षक रचा तोमर के निर्देशन में कार्रवाई जारी। पुलिस की कार्रवाई करते हुए ताशपत्ती खेलते हुए आधा दर्जन दुआरियों को मौके से दबोचकर उनके पास से 50,700 रुपए बरामद किए। भारत सरकार के कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश अनुसार राजस्थान सरकार ने प्रीमियम की दर निर्धारित की। खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई। श्रीगंगानगर के श्रीविजय नगर में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने घग्गर नदी बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां घग्गर नदी नाली में 22 जीबी के पास कटाव होने पर एसडीएम तहसीलदार के साथ पूर्व विधायक मौके पर पहुंची और लगातार बढ़ रहे खतरे को लेकर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर के नाश्ता में विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़, पुलिस थाना प्रभारी अजीत सिंह चंपावत के साथ पर्यावरण प्रेमी ने लिया संकल्प। कस्बे को करेंगे हरा भरा करने का लिया संकल्प। उन्होंने पौधे लगाकर गांव और मोक्ष स्थल को हरा भरा किया। बूंदी में प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर जन आंदोलन करने की तैयारी में है। बूंदी में भाजपा के मोतीलाल मीणा प्रदेश महामंत्री ने बूंदी में सर्किट हाउस के अंदर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, वृक्षारोपण, जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया। करौली जिला मुख्यालय पर हटरिया चौराहे पर गेहूं की बोरियों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर धंसने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। ट्रॉली धंसने से सड़क पर जाम लग गया और वाहन चालक राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किशनगंज में राहुल गांधी विचार मंच का प्रदेश स्तरीय स्थापना दिवस का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र बैरवा ने की। भाजपा किसान मोर्चा ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कृषि उपज मंडी के खिलाफ किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन। मोर्चा जिलाध्यक्ष रतन सिंह तंवर के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। जैसलमेर भाजपा किसान मोर्चा ने जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि बैंक के एमडी को हटाया जाए, बैंक में हुए घोटालों की जांच करवाई जाए। झालावाड़ के पिड़ावा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पिड़ावा भवानी मंडी पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि गत 20 जुलाई को इमड़ा के समीप निपानिया गांव निवासी राजाराम ने सड़क किनारे खड़े हुए भगवान सिंह धाकड़, जसवंत फील और गोपाल बेगवाल को टक्कर मार दी, जिसमें भगवान धाकड़ के उपचार के दौरान मौत हो गई। लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और इसी बात को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। धौलपुर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी अशोक सिंह धाभाई ने जिला कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और सरकार पर निशाना साधा।
जोधपुर कमिश्नरेट के प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र के 14 जुलाई को लापता हुई नाबालिग बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। इस पर सैन समाज ने पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ से मुलाकात कर जल्द से जल्द बच्ची का पता लगाने की मांग की। राजसमंद से पानी की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ के कपासन विधानसभा क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि एकजुट नजर आए। उन्होंने घमाणा फीडर में अवरोध हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के वाटिका के पास तितरिया गांव में पूर्व सरपंच नानक राम शर्मा की षष्ठम पुण्यतिथि पर परिजनों और गांव के लोगों ने मिलकर चिकित्सालय भवन का जीर्णोद्धार करवाकर लोकार्पण किया। एसएमएस के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय पाठक, राजपूत महासभा के अध्यक्ष राम सिंह और सरपंच पार्वती देवी महेश शर्मा सहित ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच नानक राम शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत हो गई। प्रतापगढ़ में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन में टायर जलाकर विद्यार्थी परिषद को बैन करने की मांग की। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। मीनमाल प्रधान किरण भारतीय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मतदान के बाद खारिज हुआ। यथावत किरण भारतीय ही मीनमाल प्रधान रहेंगे। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र के गांव में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें। एक्सप्रेस वे के आसपास बसे गांव में अचानक चोरी जैसी वारदातों का इजाफा हुआ। बिदाड़ी गुजरात धनावड़ पापड़िया के खुटला गांव में चोरी की दर्जनों वारदातें होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बीकानेर के कोलायत उपखंड मुख्यालय के बिटनोक ग्राम पंचायत के अंतर्गत माधवगढ़ के पास आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों की तादाद में मवेशियों की मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पुरोहित ने बताया कि बिटनोक निवासी विजय सिंह पुत्र खूम सिंह की 41 भेड़े जो पेड़ के नीचे बैठी थी, बरसात के बाद अचानक से आकाशीय बिजली गिरी और सभी भेड़ों की मौत हो गई। किशनगंज तहसील क्षेत्र के करबारी कला और कागला बमूरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से करवरी कला विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरे गांव कागला बमूरी में कई लोगों की बिजली के उपकरण जल गए। बाराकिशाबाद थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई। करौली जिला अस्पताल में 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का धरना आठवें दिन भी जारी रहा। नर्सिंग कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने और प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार करने की चेतावनी दी। बारा की छबड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3,260 रूपये बरामद किए। सीआई छुट्टन लाल ने बताया कि एएसपी रामकुमार चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। गाजोल में भील प्रदेश महिला मोर्चा ने मणिपुर की घटना को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भील प्रदेश महिला मोर्चा शांति कुमारी पार्वती मैडा सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कलेक्टर आशीष मोदी शिक्षा की भूमिका में नजर आए। कलेक्टर ने शहर के भीमगंज क्षेत्र के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल पहुंचकर कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी का पाठ शिक्षक बनकर पढ़ाया। करौली जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। मेडिकल कॉलेज का प्रथम तल बनकर तैयार है और आगामी सत्र से मेडिकल छात्रों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति प्रदेश में प्रथम स्थान पर आई। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 58 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ पॉक्सो न्यायालय ने विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 8 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 8 साल के कारावास की सजा से दंडित किया तो वहीं 20,500 का जुर्माना भी लगाया। जीडीसी में इन दिनों भारी मात्रा में बारिश की वजह से क्षमता से अधिक पानी चल रहा है। इसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रावतसर एसडीएम रवि कुमार, भाभरा एसडीएम शकुंतला, तहसीलदार नवीन गर्ग, डीवाईएसपी पूनम चौहान सहित अधिकारी जीडीसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज सुबह हुई भारी बारिश की वजह से तटबंधों में कटाव आने के साथ तटबंध टूटने की स्थिति उत्पन्न हो गई। जीडीसी पर कई जगहों पर तटबंधों का कटाव नजर आया। बांसुर ग्राम पंचायत रामपुर के ढाणी पुरासला में खेत में गाय घुस जाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडी बरसी, जिसमें महिला और बच्चे घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दौसा के सिकराय के राजवास गांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर तालाबंदी की गई। स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर तालाबंदी की गई। छात्र स्कूल के गेट के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की गई। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ली रेल में 8 मई को महिला की ओर से शारीरिक शोषण से परेशान होकर आत्महत्या करने के मामले में खेड़ली पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। सीओ अशोक चौहान के निर्देशन में थानाधिकारी महावीर प्रसाद की टीम की ओर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
रेवदर उपखंड मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेवदर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम जी लाल की अध्यक्षता में नोडल क्षेत्र पीईओ के अधीनस्थ विद्यालयों में बालक बालिकाओं ने एकदम से कार्यशाला में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन विवाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। साला उपखंड क्षेत्र के डबली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल पद पर पदस्थापन करवाने की मांग को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षिका पूरम अस्तिराबत की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल पद पर लगाया जाए और शिक्षक विद्यालय में लगाने की मांग की गई। सायला उपखंड क्षेत्र में बने जालौर सायला बाया रेवतोड़ा सड़क मार्ग में घटिया निर्माण के चलते बने एक महीने में ही टूट जाने की वजह से ग्रामीणों ने सादाम का प्रदर्शन किया। सड़क निर्माण के कार्य की जांच करवाकर फिर से सड़क को ठीक करवाने की मांग की गई। जैतारण में सांसद दिया कुमारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। संसदीय क्षेत्र के रेल संबंधी विषयों पर मैराथन वार्ता हुई। केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र निर्णय लेने के लिए आश्वस्त किया। सांभर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी पर जागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भव्य झांकी सजाई गई। भगवान जागेश्वर महादेव की श्रीनाथ जी के रूप में सजी झांकी के दर्शनों को श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। दिन भर शिवालयों में शिव भक्तों की पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। लक्ष्मणगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त संगठनों ने मणिपुर की घटना के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार अमर सिंह को ज्ञापन सौंपा और घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान माकपा लक्ष्मणगढ़ तहसील सचिव बनवारी लाल नेहरा सहित माकपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसूर के ग्रामीणों ने अतिक्रमण को हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव भुरियावास के चौराहा भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। साला उपखंड क्षेत्र के डाबली ग्राम पंचायत के रुगनाथ जी पुरोहित के ढाणी विद्यालय जाने वाले बंद कदमी रास्तों को खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साला एसडीएम सूरजभान विश्नोई और तहसीलदार कौशल्या जांगट को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। रामदेवरा कस्बे की नई बस्ती में बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से बस्ती का मुख्य रास्ता बरसाती पानी से अवरुद्ध हुआ, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी आमजन से सरकार के खिलाफ बिजली पानी की समस्याओं को लेकर मुद्दे दर्ज करवाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 मुकदमों का लक्ष्य तय किया गया। नाचमा कस्बे के किले चौक से लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद भगवत कथा का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इसके बाद धूमधाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महेश्वरी समाज की ओर से धार्मिक महोत्सव में कन्याएं भी शामिल हुई। मणिपुर पर बिगड़े हालात को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल एक ट्वीट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। प्रतापगढ़ में राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने राजस्व सेवा परिषद की ओर से तहसीलदार सेवा के पक्षों में आरक्षण समाप्त करने की मांग की, जिसका विरोध करते हुए परिषद की ओर से विवादास्पद ज्ञापन की प्रतियां चलाई गई। राजसमंद जिले के पिपली आचार्यान गांव में कुबारिया तहसीलदार शंकरलाल शर्मा ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की। अवैध बजरी के 2 ट्रैक्टर जब्त कर माइनिंग विभाग को सुपुर्द किए। मौके पर तहसीलदार शर्मा ने अवैध बजरी का 15 ट्रॉली स्टॉक भी जब्त कर कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचित किया। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में चोरों ने एक साथ 3 सोने मकानों को बनाया निशाना। चोरों ने फाइनेंस ऑफिस ज्वेलरी शॉप और श्वेतांबर जैन मंदिर की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर सांसद कनकमल कटारा के निवास पर भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या भाजपा संगठन प्रभारी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने राजस्थान में हो रहे अत्याचार की बात कही। झलवाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलूकेली कला रोड पर विद्यालय की समस्या को लेकर बच्चों और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। शिक्षा विभाग के कर्मचारी समझाइश में जुटे रहे। जाम की सूचना के बाद शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लुहार पुलिस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और जाम को हटवाया गया। रामदेवरा में मानसून की तूफानी बारिश से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मानसून की तूफानी बारिश से कस्बा जलमग्न नजर आया। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर एक विशाल पेड़ अचानक से हाईवे पर गिर गया। यह हादसा हस्तिनापुर के अरनेठा के बीच में हुआ। पेड़ गिरने से हाईवे अवरुद्ध हो गया। मारा में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस मनाया गया, जहां सीएमएचओ डॉक्टर संपल राज नागर ने बताया कि आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को महिलाओं के साथ एनीमिया से संबंधित गतिविधियां की जानकारी मिली। एनीमिया की स्क्रीनिंग जांच उपचार और एनीमिया के प्रति जागरूकता को लेकर सभी विभिन्न विभागों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए गए।
किशनगंज में आगामी त्यौहार मोहर्रम को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का थानाधिकारी योगेश शर्मा की उपस्थिति में आयोजन किया गया। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले मोहर्रम पर ताजिए को निकालने को लेकर चर्चा की गई। लाठपुरा के मंडाना में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मंडाना थाना पुलिस ने 2 क्विंटल 20 किलोग्राम अवैध मादक डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। ब्यावर में आगामी 28 और 29 जुलाई को आयोजित होने वाले मोहर्रम जुलूस की तैयारियों को लेकर उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम मृदुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ताजियों के जुलूस, हेतु माफ, मार्ग सफाई, रोशनी, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। बैठक में ताजियों के जुलूस के दौरान व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पाबंद किया गया। लाडनू में सड़क निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग शुरू करने वाला है। पिछले करीब 1 महीने से बंद निर्माण को फिर से शुरू किया जाएगा। पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने 6 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित 3 मंजिला हॉस्पिटल वार्ड का शुभारंभ किया। 100 बेड के नवनिर्मित 3 मंजिला वार्डों का लोकार्पण किया गया। मुंडवा उपखंड के कुचेरा में राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। अमेरिका कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्रवण चांगल और छात्र नेता अंशुल सारण और ईश्वर लालितिया के नेतृत्व में छात्र नारेबाजी करते नजर आए। ब्यावर उपखंड में मौसम में परिवर्तन के बाद मौसमी बीमारियां बढ़ रही है। खांसी जुकाम के रोगियों के साथ उपखंड में आई फ्लू के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोगियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के खपरेला गांव में गृह क्लेश के चलते विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर सैपऊ चिकित्सालय की मोर्चरी में रख पाया। बामनवास क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। बामनवास नगरपालिका मुख्यालय पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आमजन के साथ एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सालौखंड क्षेत्र के डाबली ग्राम पंचायत के रुगनाथ जी पुरोहित के ढाणी विद्यालय जाने वाले बंद कदमी रास्ते को खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने की मांग की गई। साला एसडीएम सूरजभान विश्नोई और तहसीलदार कौशल्या जांगड़ को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा।